आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्पति त्रिपाठी। कोरोना संकट के चलते दुनिया के तमाम देशों के साथ ही भारत के विकास पर भी तकरीबन ब्रेक लग चुका है। हालांकि भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को किसी तरह ट्रिबल आए और लोगों के जीवन में खासकर गरीब और किसान के सामने रोजी रोटी का जो बड़ा संकट है वो खत्म हो। कोरोना काल में हर वर्ग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी है। हालांकि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार केंद्र के इस बड़े पैकेज से संतुष्ट नहीं है। प्रदेश में सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से छत्तीसगढ़ को अब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी सरकार के इस आरोप को सिरे से नकार रही है। उसके मुताबिक 20 लाख करोड़ के पैकेज से हर वर्ग का भला होगा। खैर, दम किसकी बातों में है आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात होगी मध्य प्रदेश की भी, जहां डेढ़ दशक तक बीजेपी सत्ता में रही लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि करीब 15 महीने तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ चुकी है और इसकी वजह है कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत। बहरहाल, राज्य में बदले सियासी समीकरणों के बीच आगामी समय में कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव विधायकों के निधन की वजह से हो रहा है, जबकि अन्य सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे देने से। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उसमें देवास की हाट पिपलिया भी शामिल है। इस सीट पर क्या कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी का कमल फिर से खिलेगा और क्या पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मनुहार के बाद संतुष्ट हो गए हैं या अभी भी नाराजगी बनी हुई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां आत्मनिर्भरता पर अनबन है। तो कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत जोर पकड़ने लगी है। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हवा हवाई मात्र है, इससे छत्तीसगढ़ को कोई भी फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में असफल रही है। ऐसे में वो सवालों से बचने के लिए बेवजह आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर सियासत कर रही है। अब कौन सही है कौन गलत, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और राज्य की बदहाली वित्तीय स्थिति के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। कांग्रेस के मुताबिक मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जो घोषणा की थी उसके तहत छत्तीसगढ़ को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र के पैकेज से छत्तीसगढ़ के किसी भी मजदूर, किसान या व्यापारी को कोई फायदा नहीं मिला। ये पैकेज सिर्फ कुछ चयनित औद्योगिक समूहों को फायदा पहुँचाने वाला है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हर वर्ग के लोगों की मदद करने वाला है। ये पैकेज सीधे राज्य सरकार को सहायता राशि मुहैया कराने के लिए नहीं है। ये कैसा पैकेज है 20 लाख करोड़ का, जिसमें छत्तीसगढ़ का कोई हिस्सा नहीं है, छत्तीसगढ़ के एक भी व्यक्ति का हिस्सा नहीं है। इस तरीके का पैकेज सिर्फ और सिर्फ चंद चहेते उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और कोयला को उनको सौंपने के लिए दिया जा रहा है। यह पैकेज नहीं, एक धोखा है। इस प्रदेश में राहत पैकेज के रूप में केंद्र सरकार ने 216 करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए दिया है, 1200 करोड़ से ज्यादा पैसे मनरेगा के लिए दिया है। ऐसे सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी पीएससी ने करोड़ों रुपया इस प्रदेश सरकार को दिया है। तो ऐसा आधारहीन, तथ्यहीन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में अब कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी मंडरा रहा है।
लेकिन इस मुद्दे पर सहमति बनाने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आत्मनिर्भरता पर अनबन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कल्याणी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता सी चंद्रानी जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ संपादक जी नमस्कार। मनोज सिंह बघेल भी हैं और भोपाल स्टूडियो से मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। पहले त्रिपाठी जी नमस्कार। जी सुंदरानी जी नमस्कार। चलिए आप ही से सवाल कर लेते हैं कि जो भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है उसमें बल्यानी जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं दिया है। हालांकि ये बात भी है कहीं ना कहीं कि योजनाओं के जो योजनाएं होती है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों के लिए जो निधि तय होती है वो भेजी जाती है। लेकिन संभवतः बल्यानी जी का ये कहना होगा कि आप छत्तीसगढ़ राज्य को दीजिए उस पैकेज में से, उससे हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, ऐसा फिर बाद में बात हो। लेकिन आप ही बता दीजिए कि क्या दिया है। देखिए कुछ लोग पैदाइशी असंतुष्ट होते हैं। अच्छा। और हमेशा वो असंतोष की भाषा बोलते हैं, चाहे घर में हो जो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं। सुंदरानी जी वही नेचर हो गया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं वो पैदाइशी असंतुष्ट होने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं क्या? जो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं वो फिर संतुष्ट हो जाते हैं? देखिए जो बीजेपी में आते हैं धीरे धीरे बीजेपी की रीति नीति में ढल जाते हैं जी। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो लगातार असंतुष्टि की बात करती है कांग्रेस पार्टी जी। 20 लाख करोड़ रुपए का अगर पैकेज दिया है तो क्या उनमें छत्तीसगढ़ को अलग करके दिया है क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा नहीं होगा? मनरेगा 180 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए रोजी कर दी गई, तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिलेगा। एमएसएमई से मैं आता हूँ, 3 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक से कर्ज देने की बात की है। मैं आपको त्रिपाठी जी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे परिवार के व्यापार हैं, मेरे साथ 3 भाई व्यापार करते हैं, मेरे परिवार के सारे लोग व्यापार कर रहे हैं। एमएसएमई में सबको कम दर में बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। मैं वरल्यानी जी चाहे तो मैं तथ्यों के साथ प्रमाण के साथ उनके पास भिजवा देता हूँ कि 4 दिन पहले घोषणा हुई और उसको क्रियान्वयन शुरू हो गया बैंकों के माध्यम से। 8 पॉइंट कुछ में जिनके 20% का अतिरिक्त ऋण मिलने लग गया है, तो ये पैसा व्यापार में आएगा। व्यापार अगर चलेगा तो रोजगार के अवसर पैदा करेगा जी। रोजगार के अवसर जैसे मैंने पहले ही कहा कि मनरेगा में 180 से 220 रुपए कर दिए गए, तो क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा क्या? या कोयले की बात करते हैं तो क्या कोयला छत्तीसगढ़ में नहीं होता? बिजली की बात करते हैं, बिजली छत्तीसगढ़ में नहीं होती क्या? किसानों जनधन खातों में अगर 2 किस्तें महिलाओं को दी गई, 30 करोड़ खातों में दी गई, तो क्या वो छत्तीसगढ़ के खाते नहीं थे क्या? किसान सम्मान योजना के तहत 2 किस्तें दी गई तो वो छत्तीसगढ़ में नहीं उसका लाभ मिला क्या? उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में दिया गया 3 महीने, तो क्या उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिला क्या? ये 20 लाख सरकार हम इसको संतुष्ट करें, 30,000 करोड़ रुपए ये 20 लाख वाले पैकेज नहीं है क्या? उज्ज्वला उज्ज्वला योजना है। अच्छा 10,000 रुपए है ठेले, हाथ ठेले जी 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 जी, ये 10,000 रुपए मिलेंगे हाथ ठेला चलाने वालों को, जो ठेले में खोमचे चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं हाथ ठेले पे, रेवड़ी बोलते हैं जो दिल्ली में, तो ऐसे लोगों को 10,000 रुपए मिलेगा। ये 20 लाख करोड़ का छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिलेगा क्या? बल्कि वरल्यानी जी को मेरी एक सलाह है, कांग्रेस के मित्रों को सलाह है कि वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को जो उस क्षेत्र में लगे हैं उनको दिलाने का प्रयास करें, जो मोदी जी ने घोषणा की है। नहीं मिल रहा है तो मैं जाता हूँ बैंक में, कैसे नहीं मिलता दिलवाएंगे हम। चलिए बहुत अच्छी बात है बल्यानी जी, आप तो सूची बनाइए, संतुष्टि होने चाहिए। हर जगह पत्र लिख देते हैं, हर जगह मोदी में त्रिपाठी जी के प्रति असंतुष्टि। बल्यानी जी आप एक सूची बनाइए और सूची में किसको किसको दिलवाना है सुंदरानी जी को दीजिए, वो दिलवा देंगे, बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अब सुंदरानी जी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, आप के अध्यक्ष रहे हैं जी, है ना?
जी सुन तो लीजिए पूरी बात जी। सुंदरानी जी को मालूम होना चाहिए कि पैकेज का अर्थ क्या होता है जी। पैकेज का अर्थ होता है राहत जी। तो आज की जो बहस का विषय है कि जो पैकेज दिया उससे राहत मिल रही है क्या जी। ये पांचों दिन मैंने जो निर्मला सीतारमण जी ने पांच दिन लगातार धारावाहिक अपना चलाया जी, जानकारी देने का सिलसिला जी, मैंने पांचों दिन उसको अटेंड किया है जी, क्योंकि मेरे को प्रेस ब्रीफिंग करनी थी जी। तो मैंने उसमें पाया मात्र 20 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए का केवल पैकेज है, बाकी 18 लाख रुपया जो बजट की योजनाएं थी जी, वो बजट की योजनाओं को ही उन्होंने नए रूप से पेश कर दिया जी। कोई राहत नहीं है, ये लोन का पैकेज है जी। आज एसएमएससी को लोन नहीं चाहिए, यदि आप उनको लोन दे रहे हो तो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, क्योंकि उनके पास डिमांड है नहीं, तो लोन लेके वो अपनी लायबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे और कितने बढ़ाएंगे लायबिलिटी। आप उनको इनकम टैक्स से छूट देते तो राहत होती, उनको लोन पर ब्याज की छूट देते तो राहत होती जी। और जिन स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं, रेवड़ी वालों की बात करते हैं सुंदरानी जी, उनको आपने 10,000 रुपया कैश बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वो 10,000 का लोन दे रहे हैं। और एक गरीब खोमचे वाला 2 महीने में भुखमरी का शिकार हो गया, उसको 10,000 की राहत देने के बजाय बोलते 10,000 का लोन ले लो, और कोई बैंक वाला उनको लोन देने को तैयार नहीं है। मैंने कई जगह बैंक को पता लगा लिया, सुंदरानी जी भी पता लगा ले जी, क्योंकि कोई बैंक अपना एनपीए बढ़ाना ही नहीं चाहता। आप सूची बनाइए दे दीजिए, सुंदरानी जी दिलवाएंगे, कुछ हमारे मनोज जी को भी दिलवा दीजिएगा साथ में। जरूर मैं सूची बना के दे दूंगा, लेकिन ये राहत नहीं है जी, ये राहत के नाम पर छलावा है जी। दुनिया के देशों में जो कोरोना संकट हुआ है, सभी देशों ने जी जी सुंदरानी जी एक बार सभी लोगों ने कैश ट्रांसफर किया है लोगों में। कैश लिक्विडिटी यदि आएगी तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, तब जाके सप्लाई की चेन पुख्ता होगी जी। लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है अपने हिंदुस्तान में, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है, केवल ये भ्रम फैला के रखे हैं 20 लाख करोड़। लेकिन 20 लाख करोड़ में है क्या जी? सिवाय लोन के कुछ नहीं है। नहीं तो सुंदरानी जी बोल तो रहे हैं कि इंटरेस्ट कम किया है, उनने खुद लोन लिया है शायद, संभवतः ऐसे ही कह रहे थे। तो जब इंटरेस्ट कम किया है तो थोड़ी तो राहत। हाँ, मेरे मेरे परिवार ने लिया है साहब। इंटरेस्ट कम किया है क्या सुंदरानी जी? नहीं, इंटरेस्ट कम किया है जी, किया है, कम किया है आपने 8% जी जी जी। हाँ, बल्याणी जी बोल रहे हैं, 8.55 में दिया है जी जी। बल्याणी साहब, ये तो ऐसा है ऊंट के मुंह त्रिपाठी जी, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान हुआ, वैसे देते हैं 10% या 10.5% में जी। अब आपने 9% कर दिया तो ये क्या राहत हुई है? ये क्या राहत हुई जी? आज उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं, उनको राहत देने का मतलब है इंटरेस्ट फ्री दीजिए जी, उनको कुछ सब्सिडी दीजिए, उनके जो प्रोड्यूस है उसको खरीदने की आप व्यवस्था करिए। जितने उनके पेंडिंग बिल्स हैं एसएमएसई उद्योग के, अनेक भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स में पैसे फंसे हुए हैं, उनको जल्दी रिलीज कराइए। ये काम नहीं हुआ, ये काम होता तो राहत होती जी। लेकिन और जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा में उनका कहना है कि 180 से 220 कर दिया, 210 कर दिया, साथ में अगर पूरी ये कोरोना की महामारी के चलते अगर राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो आप भी जानते हैं केंद्र सरकार की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। आखिर कहीं न कहीं यही तो जाल बट्टा बिनेंगे कि हमने सब ठीक किया है नहीं किया है, तो आप कहां से, केंद्र सरकार भी कहां से पैसा लाए? देखिए, केंद्र सरकार के पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पैसा है त्रिपाठी जी, जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य है जी, वो बहुत ही निचले स्तर पर है जी, उसका लाभ आप कंज्यूमर को दे नहीं रहे हैं जी, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर आप सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गया जी, उसी का शेयर कर देते। यहाँ कोयले पे हमको रॉयल्टी नहीं मिलती है, छत्तीसगढ़ के कोयले पर शेष लेते हैं जी, शेष लेते हैं, हर साल कम से कम हमारा 8,000 करोड़ रुपया शेष में जाता है जी। लेकिन उसका वो हमको मिलना चाहिए 50%, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है देश के लिए जी। तो देश जो राज्य का अधिकार है
वो तो दीजिए जी जी जी, देश तो आपका भी है ना, जब देश होगा तभी तो प्रदेश होगा। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस राज्य की संपत्ति का आप दोहन कर रहे हैं देश के लिए, उस राज्य को रॉयल्टी भी न मिले और सेस का पैसा भी केंद्र ले जाए, तो राज्य के पास आर्थिक क्या बचेगा? जीएसटी का पैसा ये लेट भेजते हैं, जीएसटी तो हमारा पैसा है जी, लेकिन तीन तीन महीने विलंब से पैसा मिलता है जी, वो तो सारे राज्यों को मिल रहा है, जो केंद्र की भी भाजपा प्रदेशित राज्यों को भी देर से मिल रहा नहीं है। नहीं भाजपा शासित राज्यों को का यदि 4,000 बाकी है तो गैर भाजपा वालों का 10,000 बाकी है, ये इतना रेशो में अंतर है जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10,000 है, शिवराज सिंह जी ने कहा हमारा 4,000 बाकी है जी। चलिए सुंदरानी जी, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और खासकर ये बात जो आप कह रहे हैं कि ब्याज पे, आप उनका कहना है कि बात सही है कि जो 10,000 रुपए जिनको आप दे रहे हैं, खोमचे वाला जिनकी बात कर रहे हैं, हाथ ठेला वाला, दिन भर में वो 100-200 कमा के अपने और अपने परिवार का पेट पालता है, वो 10,000 अगर उधारी ले लेगा और वो भी लोन है वो, तो पटाएगा कहां से? त्रिपाठी जी, दो तीन बातों का मैं वरलानी जी का उत्तर दूंगा जी। एक, उन्होंने कहा कि जो 20 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ का तो पैकेज दिया है, 18 लाख करोड़ का बजट के अंदर का है जी। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी न्याय योजना 5100 करोड़ रुपया किसानों के नाम से 2500 रुपए के समर्थन मूल्य के जो डिफरेंस के पैसे थे बजट में पारित कराया गया और 1 अप्रैल के बाद दिया जाएगा, ऐसी इन्होंने घोषणा की थी। अब उसको राजीव न्याय योजना से जोड़कर इन्होंने 25% की किस्त दी, तो ये इनको नहीं दिखता कि बजट का पैसा भी किस्तों में देने की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आर्थिक स्थिति कोरोना के चलते सभी राज्यों की खराब है, केंद्र की भी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजें समस्या आएगी, लेकिन क्या ये बात इनको दिखती नहीं है कि बजट का पैसा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे? हाँ, ये जो मनरेगा का पैसा 180 से 220 रुपए मिलेगा, तो ये गरीबों के जेब में पैसा नहीं जाएगा क्या? ये केंद्र के ऊपर भार नहीं आएगा पूरे देश भर में? और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय करों का जो राजस्व इकट्ठा होता था उसमें पहले मनमोहन सिंह जी की UPA 1 UPA 2 25% देती थी, जैसे ही मोदी जी की सरकार आई 10% बढ़ाया, 35% 10% अतिरिक्त देना तय किया केंद्र, सभी के साथ देता है। और ऐसे उदाहरण अगर वरलानी जी के पास है कि गैर भाजपाई राज्यों के ज्यादा GST के पैसे रोके गए हैं और भाजपा शासित राज्यों के कम रोके गए हैं, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे पाएंगे। कल फिर डिबेट रख दीजिए, मैं भी दिल्ली से चैलेंज स्वीकार करता हूँ जी। सुंदरान जी, यदि ये बात है तो त्रिपाठी जी कल मैं भी स्वीकार बता दूंगा जी, ठीक है, कल हो जाए, आंकड़े सहित बता दूंगा, मैं भी आंकड़े सहित बता दूंगा, हाँ हो जाए। लेकिन चलिए फरवरी वाले में तो बात कर ले पहले, फरवरी आज वाले में पहले बात कर ले, फरवरी तक के त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी फरवरी जी, फरवरी तक का फरवरी तक का GST का पैसा दे दिया गया छत्तीसगढ़ को, फरवरी तक का जी। अरे अभी दिए हो, कल दो तीन दिन पहले, चले मिल तो गए दो तीन दिन पहले, और तो सभी राज्यों को दिया, ये सभी राज्यों को एक साथ दिया है जी जी। एक एक पार्टी जी, आपने धान का अतिरिक्त धान का पैसा क्यों, आपने धान खरीदा नवंबर दिसंबर जनवरी में धान खरीदा और आप धान का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इकट्ठा पैसा दे दीजिए ना। अच्छा सुन लीजिए, सुंदरानी साहब बरलानी जी को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए जी। सुंदरानी जी, त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम धान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम किसानों को उसी समय 2500 रुपया देना चाहते थे कि हम 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम उनका भुगतान करेंगे जी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया कि यदि आप समर्थन मूल्य से अधिक देंगे पैसा तो आपके कोटे का जो चावल लेते हैं FCI के माध्यम से नहीं लेंगे जी। तो मजबूरी में हमको अपनी योजना बदलनी पड़ी
और केंद्र के समर्थन मूल्य से हमको धान खरीदना पड़ा, लेकिन हमने किसानों का जो कमिटमेंट किया था कि हम 25 रुपए आपको देंगे, तो डिफरेंस का पैसा देने के लिए हमने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने फैसला किया कि जो डिफरेंस का पैसा है राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को दिया जाएगा। उसके लिए बजट पास करवाया। बजट पास कराने के बाद जब कोरोना का संकट आ गया तो उसको हमने किस्तों में देने का फैसला किया, लेकिन इन्होंने तो किसानों के पेट को लात मारने का काम किया। 2500 समय मिल रहा था, उस समय संकट भी था कोरोना का, उस समय अलंगा नहीं लगाते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसानों के जेब में जा चुका होता। चलिए दूसरी बात यह है कि जो जीएसटी उनका तर्क है सुंदरानी जी, जीएसटी का पैसा रोका आपको 2500। सुंदरानी जी का तर्क यह है बल्याणी जी कि जैसे हम आप किस्तों में दे रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार अगर किस्त में दे रही है तो फिर अंतर कहां हुआ भाई? उनके पास भी पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति देश की भी खराब है, वो भी किस्तों में दे रहे हैं और आप भी किस्तों में दे रहे हैं, उनका कहना ये है। त्रिपाठी जी मैं आपको बताऊं, मैं शेल्टर्स का एडवोकेट भी हूं, तो जीएसटी का पैसा जीएसटी का पैसा सेंट्रल पूल में जमा होता है क्योंकि सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया जीएसटी। जी जी, तो जीएसटी का जो पैसा आता है वो तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट से पैसा कलेक्ट होता है वो आता है ना, उसमें कोई संकट की बात नहीं है। जीएसटी कानून में यह व्यवस्था थी कि जो भी पैसा राज्य सरकारों का बनता है उसको हम ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया नहीं है, अपने पास कंट्रोल कर लिया। आज इतने दिन हो गए जीएसटी को आए, एक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं कर पाया कि ऑटो ट्रांसफर हो जाए खातों में। जी, तो वो पैसा लोन हमारा अधिकार है। अच्छा, लोन एक बात बताएं वल्याणी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछे सुनारी, फिर हमारे मनोज जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ से पैकेज मिलने के बाद हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। कोई सुनारी जी एक बार फिर आएंगे आपके पास। कोई व्यापारी फरवरी, जी जी बोलिए बोलिए सुनारी, ठीक है ठीक है, सुनारी साहब बोलिए बोलिए सुनारी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यापारी मार्च में व्यापार करता है तो जीएसटी कब पटाता है? बरलानी जी थोड़ा बता दें, आप तो एडवोकेट हैं। अरे भाई, साल महीना पूरा होने के बाद 10 दिन के अंदर उसको टैक्स पटाना है या 20 मार्च में है। मार्च में सुनिए जी, 31 तारीख तक पटाना है ना, मार्च का पैसा 31 मार्च का पैसा पटाएगा नहीं, 31 नहीं, उसको 20 अप्रैल तक पटाना है। 31 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक पटाना है। नहीं नहीं, एक महीने का समय, 30 अप्रैल तक पटाना है। 30 अप्रैल तक पटाएगा, केंद्र के पास जाएगा, 2 महीना तो आपको इसीलिए लेट आ रहा है ना पैसा। चलिए, अरे 2 महीना, अरे भाई ऑटो ट्रांसफर होता है सुधरानी जी, ऑटो की सैलरी तो अप्रैल में मिलेगी, उसको क्या गिनो आप कितना ऑटो ट्रांसफर कर रहे हो? अच्छा दिल्ली में केजरीवाल ने हर अकाउंट में 5000 हो रही है, आप भी डालो ना। चलिए 5000 रुपए खाते में डाले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, आप भी डालो। अरे आप केजरीवाल को उदाहरण दे रहे हो तो आप मोदी जी को कहिए ना वो डाल दे, हम तो किसानों के हक में डाल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, हमारे मंडल मोदी जी ने तो दिया 20 लाख करोड़ रुपए दिया, आप पचास नहीं पा रहे हो 20 लाख करोड़ रुपए। चलिए, अरे 20 लाख करोड़ रुपए क्यों मजाक करवा रहे हो देश के सामने, क्यों मजाक कर रहे हो जनता? सुंदरानी साहब बल्याणी आपके पास आ रहे, मनोज जी के साथ क्यों छलावा कर रहे हैं? और मनोज जी आपकी टिप्पणी, 20 लाख करोड़ में कुछ आपके हाथ में आया क्या, कुछ मिला क्या, कहीं से दिखा आपको? छत्तीसगढ़ के बाजार में भी घूमे होंगे, कुछ प्रभाव दिख रहा है 20 लाख करोड़ का? मनोज जी देखिए सर, अभी अनलॉक 1 शुरू हुआ है और बाजार में थोड़ी बहुत गतिविधियां दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहें कि या तो लोगों में अभी भी डर है, जिस तरह से खासतौर पे कोरोना के रोज रोज नए नए मामले आ रहे हैं। एक समय ऐसा था करीब, मुझे याद आ रहा है 15 दिन पहले, कि हम सोच रहे थे कि कोरोना मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं, हमारा स्टेट और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी 15 दिनों से बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और 1000+ 1100 के आसपास कुल संक्रमित मरीज यहाँ पर हो गए हैं और रोज रोज जो है करीब 50 से 100 के बीच रोज रोज नए मामले आ रहे हैं। तो ये डर भी कह सकते हैं या लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो कुल मिलाकर अभी बाजार में वो चहल पहल नहीं दिख रही, केवल जो जरूरी सामान है
उन्हीं की अभी खरीदारी हो रही है, बाकी जो है अभी शुरुआती तौर पर। मनोज जी सवाल यह है रमेश जी के पास, सवाल मनोज जी सवाल इस बात का है कि 20 लाख करोड़ सुंदरानी जी ने जिस तरह उसको परिभाषित किया, माफ करिए बरलानी जी ने, कि 20 लाख करोड़ नहीं है वो 2 लाख करोड़ है, उसने जीरो बढ़ा दिया है। सुंदरानी जी ने भी अपना तर्क दिया है, उसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत यथार्थ आपको भी मालूम होगा, कुछ है स्थिति 2 लाख ही है कि 20 लाख है फिलहाल। फिलहाल तो जैसा कि सुंदरानी जी ने बताया कि कुछ लोग जो है लोन का जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसका लाभ लेके कुछ लोग जरूर जो नया वेंचर शुरू करना चाह रहे थे वो लोग देख रहे हैं मौका कि जब बाजार उठेगा तो शायद ये वाला सेक्टर उठ जाए, इस लिहाज से जो है उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर व्यापारी हमारी बात होती रहती है वो जो है अभी बिल्कुल निराशाजनक वातावरण में जी रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक सभी सेक्टरों में उछाल नहीं आ जाता है, बाजार में पैसा नहीं आता, खासतौर पर जो ग्राहक वर्ग हैं जिनके हाथों में पैसा आता है और वो बाजार में रोल होता है तब जाकर फायदा होता है, तो फिलहाल अभी तो ऐसी कोई स्थिति बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। जी रमेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल हमारी इस पर थोड़ी बात भी हो रही थी, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने ये कहा कि आत्मनिर्भरता का उन्होंने नए ढंग से परिभाषित किया, उन्होंने कहा कि तय जान तोरा काम जाने, छत्तीसगढ़ी में इसको ये कहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है इसमें आत्मनिर्भरता जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है और 5 दिन तक लगातार सीतारमण जी ने कहा, हालांकि आप हिंदी को प्राथमिकता देने वाले हैं तो आप अपने अनुराग ठाकुर को जरूर सुना होगा, सीतारमण जी को तो नहीं सुना होगा, क्या लगा आपको, क्या है वाकई में 20 लाख करोड़ पैकेज से कुछ राहत मिलेगी या झुंझुना पकड़ाया गया? 20 लाख करोड़ से राहत इसको मिलेगी लोगों को, कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं दिखते, परोक्ष रूप से लाभ दिखते हैं। अभी चूंकि पूरे कोरोना में जो नगरीय अर्थव्यवस्था है वो डूब गई है, गांव की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं हुआ, गांव की अर्थव्यवस्था को केवल फूलों की खेती उनको ज्यादा नुकसान हुआ, फलों की खेती को नुकसान हुआ है, बाकी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, सब्जी उनकी शहर में आके बिकी है और चने गेहूं का पैसा गांव में अब पहुंचेगा जो अब पैसा परिचालन में आएगा बाजार को। इसलिए ये जो पैकेज है कुछ जो इनडायरेक्ट फायदे होते हैं उससे इनडायरेक्ट लाभ होगा, इस समय कोई शक नहीं, आपने भी कहा और हमारे दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी मानेंगे। नहीं, इस समय आंकड़े की बाजीगिरी है, जैसे बजट जब पेश होता है ना, किसमें छूट किसमें राहत किसमें नहीं, आंकड़ों की बाजीगिरी हुई है, आंकड़ों की बाजीगिरी में 2 लाख करोड़ उन्होंने वो ईमानदारी से कह रहे हैं बल्याणी जी की 2 लाख करोड़ ही है, उसको 20 लाख करोड़ बताया जा रहा है। देखिए बल्याणी जी को तो ऐसा कहना ही चाहिए क्योंकि वो केंद्र सरकार की विपक्षी वाली पार्टी में, आप मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूँ मैं, आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, विश्लेषण के आधार पर। नहीं, हमारे दोनों माननीय प्रवक्ता जो है इसमें सुंदरानी जी बल्याणी जी रमेश जी मैं बोलूं, बिल्कुल भी ये झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सच सच बोलते हैं, निश्चित रूप से। वो अलग बात है कि सच किस आधार पर बोलते हैं। देखिए मोटे तौर पर आप मुझे बताइए कि अगर उन कहीं पर ब्याज 1% कम हुआ है क्या वो राहत नहीं होगी क्या? या मान लीजिए किसी ठेले वाले को, फुटपाथ चलने वाले को ठीक है कि वो 10,000 रुपए का लोन है लेकिन वो बिना गारंटी के बिना ब्याज का लोन है, उसमें कोई उसको ब्याज नहीं चुकाना होगा, क्या वो उसको राहत नहीं होगी क्या? जो इस समय बैठ गया है वो पूरी तरीके से, वो कहीं ना कहीं अपना फल का ठेला लगा लेगा, फुटपाथ की दुकान लगा लेगा, इससे निश्चित रूप से लाभ मिल नहीं रहा है ठेले वालों को। बल्याणी जी का कहना है कि वो जा रहे हैं, बैंक वाले देने को तैयार नहीं है, बैंक वाला एंटरटेन नहीं कर रहा है। देखिए अब उसमें सरकार की उसमें गलती नहीं, उसमें आप बैंकों को दबाव बनाना चाहते, बैंक किसके अधीन आते हैं आखिर, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं। देखिए हर चीज, जैसे मान लीजिए जो भी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में है, जो मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में है, या कोई प्रधानमंत्री जी है, हर काम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं देख सकता, इसके लिए लोगों को जागरूक होकर के संबंधित एजेंसी को दबाव उसमें बनाना पड़ेगा, बैंकों में दबाव बनाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बैंक वाले हीला हवाला करते हैं, बैंक वाले 10-10 चक्कर कटवाते हैं, ये पहला मौका नहीं है, तो निश्चित रूप से उसमें राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना जो आपने कही, उज्ज्वला योजना कैसे एनपीए बढ़ेगा ना उसका, बैंक का कौन दे देगा 10,000 बैंक? हाँ निश्चित रूप से बैंकों को अपनी उसकी चिंता रहती है। दूसरी चूंकि अब आजकल भारत सरकार ने एक निर्णय ये भी ले लिया कि अगर बैंक लगातार घाटे में चलेगा तो उसको किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर देंगे, इस कारण भी बैंक डरे हुए हैं और उस कारण भी वो पैसा जो रिलीज कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके रिलीज कर रहे हैं, बहुत देख करके रिलीज कर रहे हैं। वो 10,000 रुपया उसी बंदे को दे रहे हैं जिससे उनको लग रहा है कि ये लौटा देगा,
और एक और बात मैंने बैंकों में देखी है, क्योंकि बैंकों में मेरा भी किसी वजह से संपर्क है, बैंक वाले अघोषित रूप से गारंटी मांग रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि गारंटी नहीं देना, लेकिन वो पैसा 10,000 लौट आए तो वो गारंटी की बैंक वाले मांग कर रहे हैं। अभी एक व्यवहारिक कठिनाई है, इसको सारे सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इसको करना चाहिए। और मोटे तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर वो जो मुफ्तखोरी है जिसको अनुदान कहते हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ रहता हूँ। तो लेकिन जिनका पूरा धंधा चौपट हो गया वो क्या करेंगे? उनको कर्मशील बनना, भाई बैंक वाला दे रहा है कम ब्याज पर दे रहा है, और धंधा कोई चौपट कभी नहीं होता। व्यापारी की आदत रोने की होती है, वो मुनाफा कमाएगा उसके बाद भी भगवान की सौगंध खा के कह देगा कि मैं इसको घाटे में बेच रहा हूँ आपको। तो व्यापारी की आदत रोने की होती है। एक दुकानें बंद पड़ी है, व्यापारी खत्म हो गया, देखिए व्यापार खत्म हो गया। नहीं, व्यापार कोई खत्म नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, व्यापार कौन सा खत्म हुआ? कभी कोई व्यापार खत्म नहीं है, कोई दुकान पर नीलाम हो गई, कोई दुकानदार ने अपना काम बंद कर दिया। खत्म हुआ शर्मा जी, अपन स्ट्रीट से हट के जा रहे हैं शर्मा जी। व्यापार आज तीन महीने से वेंडर जो है रोज कमाता है रोज खाता है। अरे आज तीन महीने से पान की दुकान बंद है। एक पान की दुकान वाला अगर अपना परिवार चलाता है 200-400 रुपए मुनाफा कमा के, तीन महीने से क्या कर रहा है? कैसे नहीं खत्म हुआ? ये बात त्रिपाठी जी मैंने शुरू में कही थी, क्योंकि शहर की अर्थव्यवस्था बैठ गई है, क्योंकि शहर में क्योंकि मुद्रा का परिचालन नहीं हुआ, क्योंकि ग्राहक नहीं गया दुकान पर, तो वो जो नुकसान हुआ है वो केवल तीन महीने का नुकसान हुआ। इस नई अर्थव्यवस्था से शहर का व्यापार उठेगा, चाहे बैंक का लोन कह लीजिए या अभी जब खरीफ का रबी का भुगतान किसान के पास होगा वो पैसा जब आएगा, नगरों का व्यापार उठेगा। उसका उसका उदाहरण हम ये बात बताएं, जब से लॉकडाउन खुला है और दुकानें खुलना शुरू हुई है, उस पर ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया, तो कुल मिलाकर के इसको उठने में टाइम लगेगा। ये किसी के हाथ की बात नहीं थी, ये पूरी दुनिया का कोरोना था। तो कुल मिलाकर के हम ये मुश्किल से ये तीन महीने का घाटा व्यापारी का अगले तीन महीने में पूरा हो जाने वाला है। इसमें कोई बहुत चिल्ला चोट करने की नहीं, ये आपका अनुमान मुझे थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा। ये आपका अनुमान हो सकता है, आप शक हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना की मार कैश लिक्विडिटी नहीं है। जी 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 जी, कैश लिक्विडिटी नहीं है, कहाँ से बाजार उठेगा भाई? ये किसानों के लिए नहीं हो सकता है। मैं जी बता दूं, जी 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 बल्लन जी, के त्रिपाठी जी, जब तक कैश लिक्विडिटी बाजार में नहीं आएगी तब तक बाजार नहीं उठेगा। जी मैं तो एडवोकेट हूँ, तीन महीने से मैं अपनी जमा पूंजी खा रहा हूँ, एक पैसा फीस का नहीं आया, ना आज आ रहा है। अब मैं मांगता हूँ तो बोलते हैं साहब अभी कोरोना संकट से उभरे हैं, कमाएंगे तब देंगे। बल्याणी जी, समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। बल्याणी जी सुंदरानी से मिली, उन्होंने लोन ले लिया है, दो तीन कहीं एमएसएमई, दो तीन छोटी छोटी फैक्ट्री है, कहा तो आपको भी दिलवा देंगे। मैं तो वकालत कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगा नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो मिला है। चलिए मिला है, उसका लोन भी पटाना है, बिना गारंटी के मिला है सुंदरानी जी? बिना गारंटी के मिला है, मेरा रनिंग अकाउंट था 20%। जी और सही में मिला है त्रिपाठी जी, मैं इसको कोई राजनीतिक भाषा नहीं कह रहा हूँ। जी जी जी, तो जब बिना गारंटी के मिला है तो फिर जय श्री राम। वो ऑलरेडी गारंटी दे चुके हैं, अभी से लगी होगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है सुंदरानी जी को पता नहीं, पता है कि गारंटी पहले से लगी होगी, तो लोन बढ़ाई होगी 20% की। चलिए सुंदरानी जी, हम आप जब भी कहेंगे, आप जब भी कहेंगे हम रायपुर आ जाएंगे। बिना गारंटी के अगर लोन मिला है तो फिर बल्ले बल्ले है, उसमें क्या है? देखिए हमारी गारंटी पहले लगी होगी, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी दोबारा गारंटी नहीं मांगी, 20% अतिरिक्त लोन दिया है, मेरे छोटे भाई की फर्म में दिया, इसीलिए 20% की लिमिट बढ़ाई, निश्चित लिमिट बढ़ाई है, लेकिन जो गारंटी लगी वो जब्त हो जाएगी। अगर लोन नहीं है त्रिपाठी जी, जी जी जो लोन नहीं है, जो उनकी बैंक की जो बैंक की लिमिट है, जी जो अच्छे से जो ठीक से पेमेंट करते हैं, बैंकों को वापस करते हैं, उनकी लिमिट बैंक वाले वैसी बात देते हैं 20%। अभी तो एसएमएसई के नए प्रोजेक्ट के लिए अभी आए नहीं है जी, इसमें सवाल कहाँ से उठता है? थोड़ा संशोधन, जी संशोधन जल्दी, थोड़ा संशोधन करूंगा, लोन भी दिया है। चलिए लोन भी दिया है। अरे आपने सुना नहीं सुंदरानी जी, बल्याणी जी आपकी तारीफ कर गए, उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से अपनी किस्त पटाते रहे, जिनकी ए ग्रेड की
सर्टिफिकेट जिनको मिला उनको दे रहे हैं और आपको इसलिए मिल गया है, आप ईमानदारी से पटाते रहे। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया। जी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रणाम। चलिए प्रणाम बल्याणी जी, आपको भी, सुंदरानी जी आपको भी, और मनोज जी आपको भी धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए। रमेश जी एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तो बीजेपी ने आंकड़े गिनाए हैं कि जीएसटी से 1170 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि से 432 करोड़, जनधन योजना से 393 करोड़ रुपए समेत अन्य योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ को 2200 से 30 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। लेकिन राज्य सरकार कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में काम करने के बजाय सियासत कर रही है, जबकि कांग्रेस का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए वाले पैकेज से छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला है। खैर, किसकी बात सही है और किसकी गलत, ये जनता अच्छे से समझ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए सभी शर्तों से मुक्त रखने का जो आग्रह किया है उसे केंद्र स्वीकारता है या नहीं, और अगर बिना किसी शर्त के कोरोना संकट के दौरान अपने संसाधनों को बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है तो भूपेश सरकार का क्या रूख रहता है, इसी पर सबकी नजर रहेगी। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब